अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजनीतिक परिवार की करेंगे जिसमें एका लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हम आज बात मुलायम परिवार की नहीं बल्कि सोनेलाल पटेल के परिवार की करेंगे। भारत सरकार में राज्य मंत्री और अपना दल सोनेलाल गुट की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां कृष्णा पटेल को एक प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव है कि कृष्णा पटेल उनके साथ आ जाएं, उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। इतना ही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने साफ कहा है कि वो अगर उनके साथ आ जाती हैं तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, और अगर वो चाहेंगी तो अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जो MLC हैं, उनका कार्यकाल मई 2024 तक है, वो इस्तीफा दे देंगे, कृष्णा पटेल MLC बन जाएं और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बन जाएं। इतना ही नहीं, पार्टी में जीवन पर्यंत अध्यक्ष के पद पर हमेशा कृष्णा पटेल बनी रहेंगी। ये इस तरीके का प्रस्ताव अनुप्रिया पटेल की तरफ से अपने परिवार को एक करने की कोशिशों के तहत मां कृष्णा पटेल को दिया गया है। बता दें कि कृष्णा पटेल इस समय अपना दल कैमरावादी, जो एक अलग बनाया गया था एक अनुप्रिया पटेल से विवादों के बाद से, कृष्णा पटेल अपनी दूसरी बेटी पल्लवी पटेल के साथ अलग चली गई थी, उन्होंने ये गुट बनाया था। इसी के तहत अब अनुप्रिया पटेल ने माँ को प्रस्ताव दिया है कि वो उनके साथ आ जाएं। लेकिन इस प्रस्ताव में एक पेच है। पेच है पल्लवी पटेल और उनके पति आशीष निरंजन। इस प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि कृष्णा पटेल का उनकी पार्टी में स्वागत है, लेकिन अनुप्रिया पटेल का जो अपनी बहन से तल्खी है, पल्लवी पटेल और उनके पति से तल्खी है, वो खत्म नहीं होगी। यानी उनकी पार्टी में पल्लवी पटेल और उनके पति का कोई स्थान नहीं होगा, उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा। और यही सबसे बड़ा इस पटेल परिवार में एका का रोड़ा भी है। बता दें कि 2015 में दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ, कृष्णा पटेल अध्यक्ष थी, उसके बाद से झगड़ा शुरू हुआ, तो पल्लवी पटेल ने अनुप्रिया पटेल के ऊपर गबन करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि जांच के बाद मुकदमा खारिज हो गया, लेकिन इस बात की खलिश अनुप्रिया पटेल को आज भी सालती है कि उनकी बहन ने उनके ऊपर संपत्ति गबन करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, अनुप्रिया पटेल तो यहां तक कहती हैं कि बहन पल्लवी पटेल ने उनकी अविवाहित जो सबसे छोटी बहन है अमन पटेल, उसका हिस्सा तक मार दिया। बहरहाल, पटेल परिवार में इस एका की कोशिश के बीच में कृष्णा पटेल ने साफ कह दिया है कि उनको अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, और अगर उनको ऐसा कोई प्रस्ताव अनुप्रिया पटेल की तरफ से मिलेगा तो वो खारिज कर देंगी। यह अलग बात है कि पटेल परिवार में एका हो जाए, इस बाबत जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले पटेल परिवार यानी अनुप्रिया पटेल अपने कुनबे को एकजुट करना चाहती हैं। वजह साफ है कि बीजेपी भी चाहती है कि उनके सहयोगी दल अपना दल की ताकत बढ़े, और अनुप्रिया पटेल भी चाहती हैं कि अगर कृष्णा पटेल उनके साथ आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी मजबूत स्थिति में होंगी, बीजेपी के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग कर सकती हैं। यानी फायदा सभी का है, बीजेपी का कि वो अपने सहयोगी दल की ताकत को बढ़ाना चाहता है, जो कृष्णा पटेल का गुट अलग होकर के जो कुर्मी बिरादरी के जो वोट बैंक है उसको अलग जो नुकसान पहुंचा सकता है उसको भरपाई करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल भी अपने राजनीतिक कद को बड़ा और मजबूत करना चाहती हैं। बहरहाल, सोनेलाल पटेल के इस परिवार और अपना दल में हुए दो फाड़ कब एक होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण फिट करना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़ी तमाम ऐसी ही दिलचस्प और रोचक खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।